चलो बच्चों, इसमें बेसिक रूट मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, जैसे रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू इक्वल टू होगा। और ये कैसे हुआ एक मैं एक्सप्लेन कर देते हैं। इस रूट टू को हम लिख सकते हैं 2 पावर 1 बाई 2, और मल्टीप्लाई इस रूट टू को भी 2 पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं। आप देखो यहाँ बेस समान है दोनों, तो पावरें क्या जुड़ेंगी, ऐड करेंगी। इक्वल 2 पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 में, 2 1 जा 2, तो 1 का मल्टीप्लाई जिसमें जितने बार डिवाइड जाएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का 1 में 1 प्लस सेम इसी प्रकार 2 का डिवाइड 2 में एक बार गया डिवाइड, 1 का मल्टीप्लाई किया 1, तो ये हमारा आ गया 2 पावर 2 बाई 2। ये 2 2 कट गया तो बचा क्या 2 पावर 1, ठीक है, इसको हम 2 लिख सकते हैं। तो इस चीज को हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, अब एक को मैंने एक्सप्लेन कर लिया, बाकी आप लोग निकाल सकते हो। √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल 3 होगा, √4 मल्टीप्लाई √4 इक्वल 4 होगा, और √5 मल्टीप्लाई √5 इक्वल 5 होगा। इसी प्रकार ये बढ़ता रहेगा, √7 मल्टीप्लाई √7 अगर सेम नंबर होंगे टू टाइम्स तो उसका मल्टीप्लिकेशन, अब जैसे √7 मल्टीप्लाई √7 इक्वल 7। बाकी इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।